तो और भाई लोग और उनकी बहन लोग, क्या हाल चाल है यार। स्वागत है तुम लोगों का आजाद गेमिंग में पबजी के एक नए गेम प्ले वीडियो के साथ। अब जो स्टार्टिंग में मैंने जो क्लिप दिखाया ना भाई साहब, मतलब एक घर में मैं पोचिंग की उतरता हूँ, एक घर के अंदर बैठे बैठे, मतलब कैंप नहीं करता हूँ मैं, मतलब एक घर के अंदर ही 7 किल कर लेता हूँ, मतलब 2 या 2.5 या 3 मिनट के अंदर अंदर मैं 7 किल कर लेता हूँ, लेकिन 8 भी किल कर लेता हूँ। लेकिन कोई बहन का टका पता नहीं किस कोने में, किस छत के ऊपर चढ़ के कहाँ से गोली मारता पता भी नहीं चलता है, सीरियसली बोलता उधर ही ठिल जाता। और पोचिंग की आने का सबसे बड़ा डर मुझे यही रहता है कि एक तो लोग कैंप करते हैं, मतलब एक घर में घुस जाते हैं, कोई फुटस्टेप नहीं, मतलब तुम घर के अंदर घुसो और पहले जाओगे भाई साहब, मतलब कतई जहर टाइप का कैंपिंग करते हैं वो लोग पोचिंग की में, मतलब ज्यादातर पोचिंग की में कैंपिंग होती है भाई साहब। और ये बात रही तो पिछले गेम प्ले की, भाई साहब इस गेम प्ले की बात करूं तो ये गेम प्ले तबाही है, सीरियसली बोलता हूं 14 किल का गेम प्ले है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना, मतलब कतई जहर टाइप का, ऐसा ऐसा मतलब घर घुस घुस के पेलूंगा, कहां कहां से नेट वेट भी तरह तरह के नेट देखने को मिलेंगे, हां नेट के सस्ते नशे भी देखने को मिलेंगे, अब ज्यादा नेट फेंकूंगा तो सस्ते नशे भी ज्यादा देखने को मिलेंगे। और भाई साहब मतलब कतई जोन का कहर, मतलब जोन इतना, मतलब पिछले वीडियो में, मतलब 2 दिन से वीडियो नहीं आई उसके लिए माफी, लेकिन पिछले ही वीडियो में मैंने बोला था जोन मतलब अपना साथ दे रहा है, लेकिन इस वीडियो में जोन देखना किसका साथ देगा और कतई कैसे कैसे साथ देगा उसका, तो सब कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो वीडियो में बने रहो यार। उसी के साथ मैं उतर जाता हूँ रोजॉक में, और भाई साहब उतरते के साथ मुझे यूजी मिल जाती है, मैं बोलता हूँ बहुत बढ़िया, मतलब कतई जहर, तो मैं बोलता हूँ अगला घर जाता हूँ, लौंडे आसपास हैं तो अगला घर जाता हूँ, वहां से ठिलाता हूँ लोगों को, मतलब ऊपर चढ़ते चढ़ते देखो मेरे साथ क्या होता है। मैं बोलता हूँ भाई साहब सांस तो ले लें दो, मतलब अभी उतरे हैं भाई साहब, गन वन चलाओ, मुक्के उक्के चलाओ, अभी पेट्रोल बम सीधा डाल रहा है यार अपने ऊपर। मैं बोलता हूँ भगो, किसी तरीके से पीछे जाता हूँ, पीछे एक बॉट मिल जाते हैं भाई साहब, तो उसको ठिलाते हैं, उससे M4 मिल जाता है, उसके बाद देखो ये लौंडा तो भग चुका है, उसके पास शायद ही सिर्फ पेट्रोल बम ही था तो फेंक के भग जाता है, तो उसको छोड़ते हैं, सामने वाले को पकड़ते हैं। अब सामने वाले घर में 2 लौंडे हैं, और भाई साहब एक को तो मैं रस्ते में पकड़ लेता हूँ, मतलब उधर ही नॉक देता हूँ, उसके बाद मैं सोचता हूँ घर के अंदर घुस के मारूंगा दूसरे को, लेकिन लौंडा खुद ही बाहर भागी चला आता रिवाइव पेलने के लिए, तो उधर ही पेटी बन जाती, दोनों की पेटी बनाने के बाद मैं घर में अंदर घुसता हूँ, अच्छी लूट उट कर लेता हूँ, उसके बाद सामने से फुटस्टेप आती है तो मैं बोलता हूँ ठीक है सामने देखता हूँ कि है बंदा किधर, लेकिन तभी पीछे से हमला हो जाता है हमारे ऊपर, तो पहले चलो सामने वाले कब आए कहाँ है नहीं पता, लेकिन पीछे वाले पता है तो उसको चलो पेलते हैं। और भाई साहब ये लौंडा तो बेमौत ही मारा जाता है, उसके बाद मैं ऊपर चढ़ता हूँ, मैं देखता हूँ कि आखिर लौंडे की फुटस्टेप आ कहाँ से रही है, मतलब बहुत सारे लौंडे की फुटस्टेप आ रही है, तो मैं ऊपर चढ़ता हूँ और तभी भाई साहब एक दौड़ता भगता हुआ आदमी आता है मेरे पास, तो मैं देखो उसको क्या बोलता हूँ, मतलब मैं सोचता हूँ भाई साहब कि कौन ऐसा बंदा है जो मेरे ऊपर कुत्ते की तरह रश कर रहा है, मतलब भगी चले आ रहा है भाई साहब, ये बॉट बहुत खतरनाक है, मतलब लोगों को डरा के मार देंगे, मतलब इतने मैं फटाफट कवर लेता हूँ कि लौंडे आएंगे तो कम से कम कवर से 1-2 गोली तो बचेगा, मतलब ऐसे कौन रश करता है भाई साहब, मतलब फुटस्टेप दौड़े चले आ रहा था मेरे अंदर, कान के नीचे बज रहा था फुटस्टेप पूरा, बता रहा हूँ सच में डर रहा था मैं। और भाई साहब इसको मारता हूँ, उसके बाद सामने वाले पता नहीं लौंडा भगता भुगता दिखता है तो मुझे उसको भी पेलते हैं हम। और ये भाई साहब धुआं हुआ फैलाने का काम कर रहे थे, मतलब कोरोना भगा रहे थे, कतई धुआं धुआं करके रख दिया था उधर, तो मतलब मुझे समझ में आ गया कि एक और लौंडा है इधर जिससे वो बचने की पूरी कोशिश कर रहा था, तो मैं बोला घूम के जाते हैं, मतलब सामने से जाएंगे तो ठिल जाएंगे आसानी से, तो मैं घूम के जाता हूँ, पता चलता है भाई साहब वो छत के ऊपर है, तो घुसते हैं आप क्योंकि और कोई चारा तो है नहीं, क्योंकि बम वम के गोले तो है नहीं अपने पास जो फेंक के ठिला देंगे उसको, तो सीधा रश मारना पड़ेगा। अब देखो जैसे ही घुसता हूँ लौंडा कैंप करके बैठा हुआ, तो देखो कहाँ पर कैंप करके बैठा होता है,
मैं बताता हूँ भाई साहब, मैं बताता हूँ अभी, मतलब मैं घर के अंदर घुसा, मैं देखा सीढ़ी के ऊपर है ना पेटी बनी हुई है, तो मैं समझ जाता हूँ कि लौंडे कहाँ पे है, मतलब किधर बैठा हुआ है। तो मैं देखो वहाँ पे बैठ के देखा कि हाँ लौंडे उधर ही बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी मतलब मैं गन से भी मार सकता था उसको, आसानी से मार सकता था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन मेरे अंदर आई खुजली, मतलब मैं बोला कि मैंने अभी स्टंट ग्रेनेड उठाया तो मैं बोलता हूँ फेंक के मारेंगे, मतलब अंधा कर देंगे, उसके बाद घुस के पेलेंगे उसको। लेकिन भाई साहब वो अपने ही आँख में खोल लेता हूँ, मैं अपने ही आँख पर फोड़ देता हूँ वो स्टंट ग्रेनेड, और वो लौंडा ऊपर भग जाता है। उसके बाद एक बॉट को मारने लगते हैं भाई साहब, मतलब उसके घर में एक बंदा घुसा हुआ है, उससे बचने का, उसको मारने का कोई टेंशन नहीं है, मतलब पहले बॉट का किल चुराओ उसके बाद भाई साहब लौंडे को मारो। मतलब ऐसे सिचुएशन में मैं बोलता हूँ बहुत बढ़िया, मतलब तुम कमाल के हो, मतलब मैं तुमसे डर रहा हूँ, तुम किसी और से ही डरे जा रहे हो। तो मैं बोलता हूँ ठीक है, ऊपर जाता हूँ, आराम से पेलता हूँ, उसके बाद बॉट को भी मैं ही पेलता हूँ। हाँ दो दो बॉट आते हैं, दोनों को पेलते हैं और यहाँ से खत्म हो चुका है यहाँ का सिलसिला, तो यहाँ से निकलते हैं भाई साहब। और भाई साहब सामने ही मुझे एक ड्रॉप दिख जाती है, तो मैं बोलता हूँ ड्रॉप के ऊपर चलो, लौंडे मिलेंगे, मतलब गने भी मिलेगी लौंडे भी मिलेंगे। उसके बाद मतलब थोड़ी देर पहले ही है ना पहाड़ी के ऊपर से गन भी चला होता है, तो मैं बोलता हूँ एक बार चेक कर लेते हैं पहाड़ी पे भी चढ़ के, कहीं कोई लौंडा मज़े ना ले रहा हो। तो भाई साहब ऊपर चढ़ते तो एक पेटी के अलावा मुझे कुछ ना दिखता है, तो मैं बोलता हूँ ठीक है मज़े ले लो, मेरी मज़े ले लो। उसके बाद मैं सीधा निकलता हूँ ड्रॉप के पास, उधर लौंडे पहले से ड्रॉप व्रॉप लूट चुके हैं भाई साहब बड़े आराम से, और उसके बाद घर के पास गाड़ी रोकते हैं। तो मैं बोलता हूँ ठीक है तो शुरू हो जाओ, मतलब स्टार्ट हो जाओ, थंबनेल वाला कांड इधर ही होने वाला, मतलब एक घर में लौंडे, मतलब नेट वेट से भी ठिलाऊंगा, लेकिन रिवाइव वाइव कितना जल्दी होता है, हील वील कितना जल्दी होता है भाई साहब, सब कुछ देखना यार, मतलब कतई जहर टाइप का होगा सीन। मैं बोलता हूँ भाई साहब मतलब ये तो चमत्कार हो गया, मेरे नेट से लौंडा ठिल गया, मतलब एक तो नॉक हो जाता है लेकिन उसको फिनिश नहीं कर पाते हम भाई साहब, मतलब इतना कवर में होता है कि वो बच के भग जाता है। तो उसके बाद रिवाइव पेला जाएगा, अपने को भी पता है कितना जल्दी रिवाइव पेला जाता है, 10 सेकंड लगते हैं। तो मुझे, मैं सोचता हूँ घर के अंदर जाता हूँ, पास जाता हूँ, अब दो घर दूर है अपने को जाने में ही 10 सेकंड 15 सेकंड लग जाएंगे। लेकिन भाई साहब मैं पहुँचता हूँ, एक नेट और फेंकता हूँ, मैं सोचता हूँ नीचे होगा लौंडा कहीं रिवाइव कोने में घुस उसके दे रहा होगा, लेकिन भाई साहब वैसा होता नहीं। तो मैं बोलता हूँ अब तो रश करना पड़ेगा क्योंकि अब अपने पास बम के गोले बचे नहीं है, तो देखो क्या होता है फिर। और भाई साहब मैं खुद के माइंड में बोलता हूँ कि मतलब चल क्या रहा, हो क्या रहा है ये सब, मतलब क्या पागलपंती है, मतलब मेरे पास दो गन है, मैं स्विच करके मार सकता था। लेकिन उस टाइम पे सीरियसली बोलता हूँ मैं भूल गया था कि मतलब मेरे पास दो गन है, मैं सोच रहा हूँ बचना कैसे है, मतलब उस लौंडे को तो ठिलाएं, मतलब लेकिन उससे पहले मतलब उसकी गोली अपने को ना लगे वो सोचना ज़्यादा ज़रूरी है, शायद इसलिए भी मैं बच पाया। यदि गन स्विच करने के चक्कर में रहता तो वो लौंडा मुझे मार सकता था, लेकिन मैं कवर लेते 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 उस दोनों को मारा हूँ, तो यार पता नहीं कैसे हुआ लेकिन हो गया, मतलब हम बच चुके हैं। अभी मेरी जान थोड़ी सी 10 HP बची हुई है, तो हम बचे हुए हैं भाई साहब। मतलब इससे मुझे गिल्ली सूट AWM नहीं लेना था मुझे इस मैच में, तो मैंने नहीं उठाया। उसके बाद भाई साहब हम यहाँ से निकलते हैं, अब जोन हो गया है ओपन में, सीरियसली बोलता हूँ अब जोन बन चुका है ओपन में, 11 किल हो चुके हैं मेरे। अब गाड़ी कहाँ रोकूँ, इधर से तो गाड़ी में निकाल लेता हूँ लेकिन गाड़ी किधर रोकूँ समझ में नहीं आता, तो मैं एक घर में रोकता हूँ, एक टूटी सी झोपड़ी होती है उस घर में रोकता हूँ। उसके बाद देखो मतलब जैसे ही रुकता हूँ जोन यहाँ से निकलता है, उसके बाद अपने ऊपर नेट आते हैं, तो मैं हड़बड़ा जाता हूँ, मैं बोलता हूँ क्या करूँ। तो उसके बाद देखो भाई साहब क्या करता हूँ मैं, और हमारे भाई साहब उधर बैठ के TPP ले रहे हैं, मतलब किधर लौंडे को बम मारूं कि उड़ा दूं, मतलब ऐसा सोच रहे हैं उधर बैठ के। मैं बोलता हूं मैं इधर आ गया हूं और लौंडे को स्प्रे देता हूं, नॉक करता हूं, पूरा फिनिश करता हूं, मतलब तुम्हारे से रिस्क चाहिए ही नहीं अपने को, मतलब पूरा का पूरा फिनिश करता हूं। उसका पार्टनर को ढूंढता हूं, उसका पार्टनर भी मिल गया अब तो, उसको भी देखो कैसे पेलेंगे, मतलब यहां कष्ट होगा मुझे, मतलब मैं ऐसे पहाड़ी पे जहां पे ससर जाऊंगा, मतलब मैं नीचे आ जाता हूं बार बार, पता नहीं क्यों, लेकिन हां बार बार मैं नीचे आ जाता हूं गिर गिर के, लेकिन देखो किसी तरीके से पेल दूंगा इसको भी।
मैं बोलता हूँ भाई साहब ये फट क्यों नहीं रहा, मतलब इतने तीन नेट फेंक चुका हूँ वहीं पे, मतलब पेड़ के पीछे ही हुए, अपने को पता है पेड़ के बगल में, पेड़ के बगल में तीन नेट फटा, मतलब एक से बचेगा डैमेज होगा, एक से तो मरेगा, दो से तो मरेगा, तीन से तो मरेगा यार, गोली भी उसको मारा हूँ, M762 का बुलेट मारा हूँ, मतलब कितना हेल्थ है उसके पास। और सीरियसली बोल रहा हूँ बहुत गुस्सा आ रहा था, मतलब इतना गंदा नेट, मतलब नेट फट रहा यार मेरे पे, तो मतलब दूर में भी फटेगा ना तो मैं फट जाता हूँ यार, क्या ही बोलूँ, मतलब अपना नेट बहुत सस्ता हो चुका है, मतलब क्या ही हो चुका, क्या है ही सस्ता, बड़ा गुस्सा आ रहा था सीरियसली बोलता हूँ यहाँ पे मतलब। और उसके बाद मैं देखता हूँ भग रहा है वो, तो जोन के पीछे पीछे मैं भी भग जाता हूँ और यहाँ पे आता हूँ। इसके बाद भी मतलब इसके बाद भी लौंडा मेरे पत्थर के पीछे होगा और अब मेरे को लगेगा पेड़ के पीछे है, उसके बाद देखो कैसे पेलते हैं इसको। और सीरियसली बोल रहा हूँ भाई साहब मुझे नहीं पता था कि उस पत्थर के पीछे ही वो लौंडा है, मुझे लग रहा था पेड़ के पीछे, मतलब फुटस्टेप आ रहे थे मुझे बहुत ज़्यादा क्लोज से, लेकिन पेड़ भी बहुत ज़्यादा क्लोज था तो मुझे लग रहा था कि पेड़ के पीछे ही है, और उसे भी नहीं पता था कि मैं इसी पत्थर के पीछे हूँ, क्योंकि मैं उस तरफ से घूम के आया था उस, और वो TPP लेके देख रहा था कि किधर मैं सांप तो नहीं बना हुआ हूँ भाई साहब। इसीलिए हम दोनों एक दूसरे के आर पार थे और हम दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाए, उसको तो आसानी से ठिला देता हूँ मैं। उसके बाद जोन बन चुके हैं भाई साहब हमसे दूर, मतलब हमेशा ऐसा ही होता है, कौन ऐसा लौंडा जिसके ऊपर हमेशा जोन बनता है यार, कोई है तो कमेंट करके बताओ, मतलब कितने भाग्यशाली हो तुम लोग, मतलब मेरे ऊपर जोन नहीं बनता यार, सीरियसली बोलता हूँ 1000 मैच खेलूंगा तो एक बार दो बार बन जाएगा गलती से, वो भी अपने ऊपर जोन नहीं तो नहीं बनता है। उसके बाद एक स्नाइपर टावर दिखता है मुझे जोन के अंदर, तो मैं उसके ऊपर चढ़ता हूँ, चार लौंडे बचे हुए मतलब मेरे अलावा तीन बचे हुए हैं, तो एक लौंडा मुझे सांप बने दिख जाता है, तो सबसे पहले तो उसकी बलि चढ़ाएंगे हम, बाकी दो लौंडे किधर है उसको बाद में खोज करेंगे। और अब बचे थे भाई साहब दो लौंडे और अपने से जोन था बहुत दूर, तो मैं सोचा ठीक है अब जोन के अंदर तो जाना पड़ेगा, वो लौंडे के ऊपर भी जोन नहीं है, वो भी बाहर आएंगे, लेकिन अब ध्यान दोगे ना तो एक घर है, एक घर का एक तिहाई, मतलब एक तिहाई से ज्यादा एक कोना जो होता है ना, मतलब जहां पे एक बिल्ली सो सकती है इतना जगह पे, मतलब हाँ एक कुत्ता बिल्ली सो सकता है इतना जगह पे जोन नहीं बनता है। सीरियसली बोलता हूँ उस जोन के अंदर होता है एक कोना, घर का कोना, उस कोने के अंदर दो लौंडे छिपे होते हैं, एक ऊपर एक नीचे। मैं बोलता हूँ बहुत बढ़िया, मतलब बहुत बढ़िया कि तुमने, मतलब मैं एक अकेला हूँ पबजी वाले, वो लोग दो लौंडे हैं, कम से कम उनको तो जोन से बाहर करो, एकदम घर का कवर दे रखा है यार, मेरा ओपन ग्राउंड है। मैं बोला कहाँ भाग के जाऊँगा भाई साहब, कितना देर बचूंगा, फिर भी मैं बचता हूँ, बहुत देर बचता हूँ, कवर में जाता हूँ, बच बचा के किसी तरीके से जाता हूँ, कवर लेता हूँ, मैं देखता हूँ गड्ढा है, मेरे को समझ में तो आ जाता है कि उसी घर के अंदर दोनों लौंडे छिपे हुए हैं। तो देखो भाई साहब मतलब मेरे पास नेट वेट तो है नहीं, मतलब नेट तुम्हारा भाई, यदि नेट होता तो शायद मैं ये मैच जीत सकता था, लेकिन नेट नहीं था अपने पास, तो मैं कोशिश करूंगा, कोशिश क्या, मैंने नेट रखा था यार, उस लौंडे के चक्कर में सारा नेट तो बर्बाद हो गया, फटता ही नहीं था, क्या ही गाली भी नहीं दे सकता, हाँ फटता ही नहीं था भाई साहब वो तो, लेकिन किसी तरीके से यहाँ तक आता हूँ, स्मोक होता है अपने पास तो स्मोक फेंक देता हूँ, उसके बाद मतलब मैं एकदम रश कर देता हूँ, मैं बोलता हूँ नहीं बचना नहीं है, मतलब रश करो, तो देखता हूँ भाई साहब खिड़की के इधर उधर किसी तरीके से फंस जाता हूँ और दो तरफ से गोलियाँ आती है, मतलब आप ध्यान से देखना यहाँ पर जैसे मरूंगा ना ध्यान से देखना, उसके बाद मैं स्लोमो में भी आपको दिखाऊंगा। तो सैड एंडिंग भाई साहब, मतलब मेरे पास यहाँ पे कुछ एडवांटेज ही नहीं था ये मैच जीतने का, मतलब मैं किसी भी हालत में ये मैच नहीं जीत सकता था, हाँ मेरे पास नेड होता तो मैं जीत सकता था, मेरा वेस्ट भी होता तो शायद मैं जीत सकता था, क्योंकि मेरे पास वेस्ट भी नहीं था। अब ये लौंडा जो निकल के गोली, मतलब मैं खिड़की से भी गोली नहीं मार सकता हूँ क्योंकि देखो कितना ऊंचा है, वो भी नहीं मार सकता, लेकिन वो जिस तरीके से निकल के बाहर मारा है गोली, तो मैंने भी बहुत सारी गोलियाँ मारी है उसको, हाले ही उसका हेलमेट Level 3 का था, वेस्ट Level 3 का, लेकिन वो लौंडा मुझे नहीं मारा है सामने वाला, आप देखोगे तो ऊपर से बालकनी से लड़का मुझे मारा है, तो अब उसको मैं कुछ नहीं कर सकता, सीरियसली मैं अब इस लौंडे सामने वाला नॉक भी हो जाता ना तो एक चांस था कि मैं बच सकता था, यदि वो लौंडा दो लौंडे एक साथ गोली नहीं चलाते तो,
तो इसी तरीके से मैं मारा जाता हूँ। चलो तो कोई नहीं, अगला मैच जीतेंगे, ज़रूर जीतेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। जिन लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना यार, और चैनल पर नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नए हो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ऑल पे क्लिक करो, सपोर्ट करो। और नीचे डिस्क्रिप्शन पे इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है, इंस्टाग्राम पे जाओ, मुझे फॉलो करो, वहाँ पे मुझे मैसेज करो, बातें करो, और बहुत सारी चीज़ जो भी मीम्स बनाते हो पबजी के वो रिलेटेड टैग करो, बहुत मज़ा आने वाला है। तो जाओ डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो मुझे। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।